जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। CHS क्लास 6 9th और 11th की प्रिपरेशन हमारे प्लेटफॉर्म YouTube पाठशाला पे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है प्रिपरेशन ऑफ क्लास 6 9th एंड 11th की CHS के लिए, तो आप तुरंत ही हमारी बैच को 9519383272 पे कॉल करके आप तुरंत ही बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम होने में। और आपको बता दें कि इस पूरे प्रिपरेशन में हम कवर क्या करने वाले हैं। हम पूरे के पूरे 5 सेक्शंस को, जो कि आपका GK, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और आपका साइंस के सारे के सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं हमारे बच्चों पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे एट जस्ट 1500। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने या बच्चों आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज की इस वीडियो में हम अपने साथ में लेकर के आ गए हैं क्लास 6, 9 और 11th की जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के सेट को, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस को जो कि आपके CHS के एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये क्वेश्चंस आपसे रिपीटेड टाइम पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसी 25-25 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आएंगे आपके, और अगर आप इनको कवर करते हो तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप देखने वाले हो आपके एग्जाम में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 6, 9 और 11th के इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चंस, और यह हर परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार ये प्रश्न। ठीक है, चलिए ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। बिना किसी टाइम के आते हैं अपने टाइम पे आते हैं कि लाइक एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में आपका क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, एलपीजी गैस में हमारी क्या पाया जाता है, तो इसमें हमें ब्यूटेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हमारा रक्त समूह की खोज किसने की, तो ये हमारे कार्ल लैंस्टीनर ने की थी। ठीक है, रक्त समूह यानी कि आपके कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंस्टीनर ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1951 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये सबको पता है 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो ये कोपरनिकस ने बताया था कि सब जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, खगोलीय दूरी से। खगोलीय दूरी मतलब डिस्टेंस, आप जैसे डिस्टेंस के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज करते हो ना, इसी तरीके से जो आपका प्रकाश वर्ष यानी जो आपका लाइट ईयर है, उसको हम किससे यूज कर किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर आपका स्थित है अमृतसर में। ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके CHS एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है, मुंबई में हो। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है, और इंडिया गेट आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो ये सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। सितंबर के बाद आता है ना आपका अक्टूबर, तो शिक्षक दिवस हमारे इंडिया में कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने हमें करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा दिया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का भी नारा किसने दिया था, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे जी ने हमें किसका नारा दिया था, मारो फिरंगी को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप लोग जानते हो इसको कौन सा है, ये भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, तो ये कौन सा वीरता पदक, परमवीर चक्र, यानी कि जो सर्वोच्च वीरता का पदक जो आपको दिया जाता है, जो हमारे सैनिकों को दिया जाता है, वो होता है हमारा परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इसे कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, कालिदास जो थे वो इंग्लिश भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके बहुत सारी बुक्स देखने को मिलती है। तो इंडिया में भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था, तो कालिदास जी को कहा जाता था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स क्लास 6th हो, 9th हो, 11th हो, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे थे तो ये कॉमन क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, उनसे टाइप जो हमें कॉमनली दिखे उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है हमारे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है हमारे राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय, अग्नाशय जो है आपकी इंसुलिन को देती है हमारे बॉडी में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके स्लेचर्स में तो पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन, युआन जो है हमारी चीन की मुद्रा है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? तो ये हमारी किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है हमारे अर्थशास्त्र के लेखक। ग्रांट रक रोड किसने बनवाया? तो ये शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरीबेरी होता है, विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, यानी जो पूरी जो आपकी लेंथ है पूरे देश की या उसका जो पूरा क्षेत्रफल है एरिया है उसके अकॉर्डिंग विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान में कितने अध्याय है? 22 अध्याय हमारे संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? वही भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी, और ये कब चलाई गई थी? 1853 में। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान। So friends, इस वीडियो में हमने बात की है टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके सीएचएस एग्जाम में चाहे वो क्लास 6 हो, 9 हो, 11 हो, उसमें पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। आप बने रहिए हमारे पाठशाला के साथ में, वीएचयू पाठशाला के साथ में, और जो ऑनगोइंग बैच है जो कि क्लास 6 के लिए, जो क्लास 11 के लिए और क्लास 9 के लिए जो प्रिपरेशन करा रही है जल्दी से 2023 बैच के लिए, उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर 9519383272 पे कॉल करके हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।